अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ते हैं सबक नंबर 12। सबक का नाम है चाय। चलिए पढ़ते हैं। नंबर एक, चाय एक दरख्त की पत्ती है जिसकी काश्त मुल्क चीन में कसरत से होती है। काश्त का मतलब है खेती बाड़ी। वहाँ हर आदमी चाय का एक बागीचा रखता है। जितनी चाय अपने घर के सर्फ से बच रहती है उसको फरोख्त करके और ज़रूरी सामान खरीद लेता है। कुछ मुद्दत से मुल्क आसाम और दामन हिमालय के बाज़ मकामात में चाय के बाग लगाए गए हैं। वहाँ से लाखों रुपए की चाय दूसरे मुल्कों को जाती है। चाय का दरख्त बड़ी हिफाजत और कोशिश से परवरिश पाता है। अव्वल एक खत्ते में बीज बोकर पौधा तैयार करते हैं, फिर उसको उखेड़ कर बड़े वसी खत्तों में बराबर फासले पर कतार दर कतार जमा देते हैं। वही चाय का बाग कहलाता है। जब उसका दरख्त 3 साल का हो जाता है तो पत्ती चुननी शुरू करते हैं। सदा मजदूर औरतें और मर्द उस काम में मशगूल रहते हैं। सदा का मतलब सैकड़ों। साल में 3 बार पत्ती चुनी जाती है, फिर हरी पत्ती कढ़ाओं में डालकर भूनते हैं। एक आँच देकर मेज़ों पर फैला देते और उसके गोले गोले बनाकर मुट्ठियों से खूब निचोड़ देते हैं। निचोड़ने के बाद उसको हवा में फरेरा करके दूसरी बार कढ़ाओं में भूनते हैं। अब पत्तियां चुरमुर होकर ऐसी हो जाती हैं जैसी तुम बिकती हुई देखते हो। चाय की ज़रात नहायत खुशनुमा होती है। उसका फूल नहायत खुशबूदार और सफ़ेद मिसल जंगली गुलाब के होता है। जब फूल खिलते हैं तो दूर तक जंगल मुअत्तर हो जाता है। हवा के झोंके चलते हैं तो अजब भीनी भीनी बू आती है। चाय की दो किस्में हैं, एक स्याह दूसरी सब्ज। चीनी स्याह को पसंद करते हैं और रूसी सब्ज को। काश्त का मतलब है खेती बाड़ी। फरोख्त का मतलब है बेचना। दामन का मतलब है पहाड़ के नीचे की ज़मीन। मकामात का मतलब है जगह। क़िता का मतलब है टुकड़ा, लेकिन सबक में उसे छोटा खेत कहा गया है। वसी का मतलब है लंबा चौड़ा। कतार का मतलब है लाइन। सदा का मतलब है सैकड़ों। ज़रात का मतलब है खेती। मअत्तर का मतलब है खुशबूदार। तो यहाँ तक हमारा सबक नंबर 12 कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको सबक अच्छे से समझ आया होगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।